नेताओं ने आज वीर कौर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला दहन किया है। पुतला दहन के माध्यम से हम लोग ये बात रखना चाहते हैं कि पिछले 5 दिनों से छात्र राष्ट्रीय जनता दल और छात्र संगठन आईसा के साथियों ने वीर कौर सिंह विश्वविद्यालय मुख्यालय में लगातार 5 दिनों से आमरण अनशन पे है। भूखे प्यासे छात्रों के हित के लिए वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनका सवाल है, उनका ये मांग है कि बीएड कोर्स में जो बेतहाशा फीस वृद्धि की गई है, जो फीस 95,000 से बढ़ाकर बीएड माफियाओं के चलते 1.5 लाख किया गया, उसके विरोध हमारी लड़ाई है और हमारी लड़ाई इन तमाम बीएड माफियाओं के खिलाफ है। जब कुलपति महोदय हम लोगों से 2 राउंड सिर्फ वार्ता करने आए इस पूरे 5 दिन में, अंतिम दिन आए तो वो कह रहे हैं, चौथे दिन आए थे, उन्होंने कहा कि हमारा हाथ हाईकोर्ट से बंधा हुआ है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने कुलपति महोदय को कहा कि हाई कोर्ट का जजमेंट हम लोगों ने भी पढ़ा है, हाई कोर्ट का जजमेंट ये कतई नहीं कहता है कि आपका बीएड का फीस 1.5 लाख कर दिया गया है। हाई कोर्ट का सिर्फ फैसला ये कहता है कि बीएड कॉलेजों की मानक की जांच करते हुए उसका फीस 1.5 लाख तक होगा। उसने एक बाउंड्री फिक्स किया है कि 1.5 लाख तक के अंदर में ही होगा आपका फीस, लेकिन बीएड माफिया क्या किए, एक पूरा हवा बना दिए, पूरे बिहार के अंदर ये हवा बना दिए कि 1.5 लाख आपका फीस हो गया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज इस वीर कौर सिंह विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी बीएड कॉलेज हैं, जिसको वीर कौर सिंह विश्वविद्यालय ने एनओसी दिया है, और चाहे बिहार के अंदर जितने भी बीएड कॉलेज हैं, ये तमाम कॉलेज एनसीटीई के मानों को पूरा नहीं करते हैं। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, ये गवर्नर सेक्रेटरियट का ये पत्र है, गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी विवेक कुमार सिंह ने ये पत्र एनसीटीई के चेयरमैन को लिखा है। इसमें इन्होंने साफ स्पष्ट तौर पे कहा है, इसका सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, इन्होंने साफ कहा है कि सस्पिशियस कंडक्ट ऑफ सर्टेन बीएड कॉलेज रनिंग इन बिहार अंडर एनसीटीई रिकॉग्निशन। इसका मतलब साफ है कि पूरे बिहार के अंदर एनसीटी के मानक को फुलफिल नहीं करता है बीएड कॉलेज। एनसीटी का मानक कहता है कि आपके बीएड कॉलेज में 16 शिक्षक होने चाहिए, लेकिन वीर कौर सिंह विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने बीएड कॉलेज हो, चाहे बिहार के अंदर जितने बीएड कॉलेज हो, कहीं पर भी 16 शिक्षक नहीं है, कहीं 2 तो कहीं 3 तो कहीं 5 शिक्षकों के बदौलत बीएड कॉलेज चलाया जा रहा है। तो क्या वैसी स्थिति में गरीब का छात्र 1.5 लाख रुपए आपको दे दे जब आप मानक को फुलफिल नहीं करते हैं? तो हमारी लड़ाई इन्हीं बीएड माफियाओं के खिलाफ है, हमारी लड़ाई इसी शिक्षा माफियाओं के खिलाफ है, और अंतिम क्षण तक हम लोग लड़ेंगे। कुलपति महोदय वार्ता करने आए थे अंतिम दिन, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, काउंसलिंग के समय जो आपका फी जो निर्धारित हुआ है 95,000, उस पे आप फॉर्म भरो, लेकिन शर्त उन्होंने रखा कि आपको एक अंडरटेकिंग देना होगा, डेबिट देना होगा, जिसमें ये लिखा होगा कि न्यायाधीश के आलोक में अगर फीस बढ़ता है या घटता है तो आपको बढ़ा हुआ या घटा हुआ फीस देना पड़ेगा। ये छात्रों के साथ ये शर्त उन्होंने लगा, हम लोगों ने इस बात का डिनाई किया, हम लोगों ने इस बात को सिरे से खारिज